पति का धोखा प्रीतो से नहीं हुआ बर्दाश्त। पंखे से लटक कर प्रीतो देने चली अपनी जान। सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास की में आज हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। आज प्रीतो नहीं कर पा रही है अपने जज्बातों पर काबू। आज प्रीतो पंखे से लटक कर लगा रही है अपने गले में फांसी। वेल, यू म्योर टीवी ये तो आपको पहले ही बता चुका है कि प्रीतो के सामने मोहिनी के माँ बनने का सच आ चुका है और यही सच प्रीतो की बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। तभी तो आज प्रीतो ने खुद को कमरे में कर लिया है बंद और सौम्या और रावि कर रही हैं प्रीतो से दरवाजा खोलने की गुजारिश। प्रीतो दरवाजा नहीं खोलती, लेकिन हरमन कहां हार मानने वाला था। काफी जोर आजमाइश के बाद हरमन खोलता है कमरे की खिड़की और अंदर का नजारा देख सभी के उड़ जाते हैं होश। आज तो प्रीतो ने अपनी जान देने की पूरी तैयारियां कर ली हैं। वो तो भला हो हरमन का जिसने सही वक्त पर आकर अपनी माँ की जान बचा ली। वेल, ये तो हुई ऑन लोकेशन की बात, लेकिन ऑफ द कैमरा आज प्रीतो यानी काम्या हमें दिखी काफी इमोशनल। फांसी से लटक कर इस सुसाइड ड्रामा को करना काम्या के लिए था काफी डिफिकल्ट, क्योंकि ना चाहते हुए भी काम्या को अपनी बेस्ट फ्रेंड प्रत्युषा बैनर्जी याद आ गई और आज यही सब याद करते हुए काम्या की आंख भी भर आई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे लिए जिंदगी में कोई भी चीज इतनी मुश्किल होगी। ये मुझसे नहीं हो पा रहा है और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इसे करूँ, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, एक एक्टर हूँ और अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहती हूँ। और जब मैंने वो बांधा अपने गले में और जब मैंने छोड़ा अपने आप को, लोगों ने पकड़ा था मुझे, लेकिन फिर भी बहुत तकलीफ हुई। तो जो लोग सच में ऐसा करते हैं वो किस तकलीफ से गुजरते हैं इसका अंदाजा आप और मैं नहीं लगा सकते और शायद कभी लगा भी नहीं पाएंगे। काम्या ने तो ये भी कह दिया कि प्रीतो को बचाने के लिए सभी घर वाले थे, लेकिन उसकी दोस्त को बचाने के लिए वहाँ कोई नहीं था। एक वीक मोमेंट, शायद प्रीतो का भी वही एक वीक मोमेंट है जहाँ पे वो अपने आप को नहीं संभाल पा रही है और उसे ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं बचा है जिंदगी में और इसलिए वो भी यही कर रही है और जेन्युइनली मरना चाहती है। सो वो मर रही है और लेकिन प्रीतो को बचाने के लिए यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मेरी दोस्त को बचाने के लिए कोई नहीं था। वेल, काम्या होनी को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन शुक्र है कि सीरियल में इस अनहोनी को हरमन ने जरूर टाल दिया। अब देखना ये होगा कि मोहिनी के माया जाल से हरमन और सौम्या अपने परिवार को कैसे बचाएंगे। नवीन सिंह भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट E24।